लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 73 सांसद भाजपा गठबंधन के जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस इन सबका गठबंधन था, तब हम 64 सांसद उत्तर प्रदेश में जीते थे। और 2024 में विश्व के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, गरीब कल्याण के लिए समर्पित, देश के उत्थान के लिए समर्पित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी देश में एक शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए जो 73 का आंकड़ा है उसे उत्तर प्रदेश से पार करके 80 सांसदों की एक फौज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने के लिए देने का संकल्प निश्चित तौर से सफल होगा। दारा सिंह जी भाई साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश की ही नहीं देश की राजनीति का मर्म समझने वाले देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से जिस दिन श्री दारा सिंह चौहान जी की भेंट हुई थी उस दिन ही हम लोगों को अंदाजा था कि अब देर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा 7 विधानसभा मार्ग यह भी है यहाँ कार्यालय पहुंचने में। और आज मुझे अभी सूचना मिली है कि दारा सिंह जी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी विधिवत दे दिया है और भाजपा परिवार का हिस्सा यहाँ पर आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाने का काम किया।